जो सच है होंठों से बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया। ए वक्त ने भी क्या खून न छाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से छोटी वरना। सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। जीगा लाला ये मेरा बाप है। शादी वाले घर में शोर मचा रहा है, कौन है ये बेवकूफ? मैं तुलिका का बाप हूँ। हम तो सिर्फ जन्मदाता हैं, लेकिन ज्ञान का सिंचन तो उन्होंने ही किया है। सिर्फ जन्म देने से ही आदमी बाप नहीं होता, बल्कि उस पैदा हुए शरीर के अंदर पढ़ा लिखा के उसे मनुष्य बनाने वाला आदमी ही सच्चा पिता होता है। इसीलिए तुलिका इन्हें अपना पिता मानती है। मास्टर जी डांस प्रैक्टिस शुरू करें। ये छोड़िए, मैंने मारी तुलिका मरी से तुलिका डांस की प्रैक्टिस पछे, पहले तुलिका से मैं मिलूंगा। ये तुलिका हुर। बहुत जोर से संगीत की प्रैक्टिस हो रही है। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। परेशान कर दिया मुझे इस औरत ने। अबे मैंने क्या किया बे? अबे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। अबे वो औरत नहीं आदमी है, दिखता नहीं है क्या? इतनी बड़ी बड़ी मूछे है, घोघरा आवाज है। अबे तेरे बापू की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी माँ की बात कर रहा हूँ। मतलब माँ भी इधर चली आई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? माँ को तो मरे हुए 4 साल हो गए। अबे तेरी असली माँ की नहीं नकली माँ की बात कर रहा हूँ, जो शिवाजी महाराज झांसी की रानी सबकी सार्वजनिक माँ है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ओ तारिणी, अब क्या कर दिया उसने? किया नहीं है, कर रही है। क्या? पिछले 1.5 घंटे से मेरे बाथरूम में नहाने का कार्यविधि कर रही है। ट्रेन को धो धुला के प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम वो नहाने में लगा रही है महारानी। अबे तो तू दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहा ले। एक कॉमेडी, तुझे मजाक सूझ रहा है? डोबा तू मेरे बाथरूम में जाके नहा ले। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये बापू ये तेरा घर नहीं, हम जाने हैं। मैं तेरा घर छोड़ दिया है ना, तो तू भी मेरा घर छोड़ दे। ज्योति बनी ज्वाला, तेरे मुंह में गरम मसाला, ये तेरा पिसना, तेरा पिसना मैं छोड़ूंगा। छोड़िए तेरा पीछा ना छोड़ूंगा तुलिका। अबे चुप, तेरे को बेटी से नहीं बेटी के पैसों से प्यार है। जुआ खेलने का है, शराब पीने का है, बेटी के कमाए हुए पैसे उड़ाता है, हाड़े बेशरम। हम बेशरम हरगिज ना थे। पढ़ अच्छे बापू ना बन पाए हो। अब तू चुपचाप इधर से फुर हो जा, चल। थोड़ी जहाँ बेटी वहाँ बाप, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। एक बंगला बने न्यारा, कितना सुहाड़ा घर है हमारा। अबे उठ, खबरदार इस घर में रहने की बात की तो तेरा मेरे पे कोई हक नहीं है, और वैसे भी लड़की तो पराया धन होती है। होती है सोड़ी, पराया धन होती है, लेकिन लगन करने के बाद, लगन के पहले तो है ना बेटी भी बापू का धन होती है। हाँ तो मेरी शादी तो हो गई है। क्या? अरे संकट मोचन पापी सोचन, दिव्य दृष्टि अनंत सृष्टि। ये तुलिका
तू जानती है ना कि हम बंजारों में रीत है कि लगन करने के बाद बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। इसीलिए मेरे को झूठ बोलती है ना कि शादी कर ली। देख इधर, अरे सच बोल, शादी कर ली है तो तेरा पति कहाँ है, मेरा दामाद कहाँ है, बता। वो आ गया जिसका था तेरे को इंतजार, वो आ गया है मेरा प्यार और तेरा दामाद। क्या आरती संगीत संध्या के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक कमाल का गाना सिलेक्ट किया। अच्छा? उस गाने पे तुम डांस करोगी ना, बहुत क्यूट लगोगी। मैं तो आरती हूँ। मेरा नाम आरती है, इसका मतलब ये नहीं मैं इस पे डांस करूँ। नहीं नहीं, राइट राइट, माय मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। अपूर्व अपूर्व, मुझे तो चाहिए ना बहुत जरूरी बात करनी। अरे तू माहौल देख क्या है और अपना हाल देख क्या है। आरती भाभी तुम यहाँ पर हो, नीचे प्रीति भाभी तुम्हें ढूंढ रही है कब से, वो नए स्टेप सिखाने के लिए। अपूर्व चलो ना, भाभी से डांस सिखाए ना। लेकिन अपूर्व नहीं, तुम जाके आगे के स्टेप सीखो, इसके कुछ पीछे के स्टेप गलत हो गए हैं। पीछे के स्टेप? हाँ तुम जाओ ना, बाद में समझाता हूँ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं ना तीन तीन रोल नहीं करूंगा, समझा? लेकिन कौन बोल रहा है तुझे तीन रोल करने के लिए? मैंने बोला। क्या? जो भाई, मैंने अपने बापू को बोल दिया है कि ये मेरा हस्बैंड है। अरे यार, मेरी शादी नहीं हुई है और तू हस्बैंड बनाने के चक्कर में पड़ी है, और वो भी बिना शादी के। ओ, देख मेरा बाप जिस कबीले में है ना, उसमें बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। उसको इतना पता चल जाएगा कि मेरी शादी हो गई है तो वो यहाँ से चला जाएगा ना। फैंटास्टिक आइडिया, क्या प्रॉब्लम क्या तुझे? जा बन जा पति इसका, बन जा बन जा। ए, मैं नहीं बनूंगा। मेरी बात तो सुन, चुप कर। तेरा बापू अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीता, कल को उठ के बाहर से 5 लीटर का कैन लेके आ गया। नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। अरे ऐसे मत, तू कर। अरे सुन भाभी, कब तक एक ही स्टेप करते रहेंगे, आगे सिखाइए ना। अच्छा मान लो तुम रोटी बेल रही हो, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, देखा मैंने कहा था ना। अब 3 4, अगर तुम घोड़े की लगाम को खींचोगी तो कैसा लगेगा? 3 4 3 4 3 4